मैंने बहुत बार विजुअल देखा, मेरा कलेजा फटता है कि बाप जो है वो एक डिग्निटी से खड़ा है, माँ जो है एक डिग्निटी से खड़ी है, एक माँ बाप ने अपना बेटा खोया है। व्हाट डू दे टेल द पेरेंट्स हाउ टू डील विद इट? और अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब आपका बच्चा 10th क्लास में फर्स्ट आता है और वो मार्कशीट लेके घर आता है तो आपका सीना थोड़ा होता है ना? बिल्कुल। उसी तरह से जब वो तिरंगे में लिफ्ट के आता है तो वो भी एक गर्व का काम कर दिया है। तो मेरे हिसाब से उस माँ बाप का सीना भी उतना ही चौड़ा होता है। उस बच्चे का नाम दिल्ली के सेंटर में नेशनल वॉर मेमोरियल में प्रिज्ड होता है। कितने माँ बाप के बच्चे हैं जिनका नाम देश की राजधानी के सेंटर में है? देश के कुछ लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ आर्मी का काम है, हमारा काम ऐसा नहीं है। तो व्हाट आर दो थिंग्स दैट आर टोल्ड टू यू दैट आप इतना ज़बरदस्त जज्बा लेकर देश के प्रति घूमते हैं? एनडीए में एक साइकिल इशू होती है, तो अगर कभी साइकिल खराब हो जाए तो ये नहीं है कि हम उस साइकिल को किसी मोड़ पे छोड़ के आ जाएंगे कि मैं शाम को आके लेके जाऊंगा, नहीं, साइकिल को कंधे पे रख के वापस लेके आना होता है। अगर हम अपनी साइकिल पीछे नहीं छोड़ते तो हम अपने साथी को कैसे छोड़ेंगे, देश को कैसे छोड़ेंगे? कोई आर्मी को, हमारे ही देश का कोई आर्मी को क्रिटिसाइज़ करता है या उनके सेक्रीफाइस के बारे में उल्टी सीधी बात करता है तो आपका क्या रिएक्शन होता है? खून खोलता है। क्या बोलना चाहेंगे उनको आप? गेट वेल सून। आपकी किताब जो है वो पब्लिश होगी, मैं चाहूँगा इस पर फिल्म भी बने, बिकॉज फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो आपकी थॉट प्रोसेस को वर्ल्ड तक ले जाएगा और फिल्म की शेल्फ लाइफ जो है कमाल की होती है। डू यू हैव एनी एक्टर इन योर माइंड टू प्ले योर रोल?